अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, पीएमएस में आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक उर्दू एक पेपर था जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया था। इस वीडियो में मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। देखें उर्दू, मैं पहले अपना एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूँ तो मुझे तो लगा कि पीएमएस में जब मैं था तो मुझे तो लगा कि बाकी जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उर्दू को मैं मैनेज कर लूँगा और आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 50 मार्क्स में इसमें से बड़े इजी से ले लूँगा। तो मैंने उसका कोर्स देखा, बुक उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ नजीब साहब की है, कारवान पब्लिशर्स की बड़ी अच्छी बुक है पीएमएस के लिए, वो आप ले लें और उसमें से स्टडी करें। और मैंने जो बेसिक चीज़ जो माइंड में रखी है इसको मैंने ईजी थोड़ा लिया, तो क्यों लिया, वैसे मैं सजेस्ट नहीं कर रहा आप लोग ईजी लें, आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। बट मैंने इसका जब कोर्स देखा तो आप ये समझ लें कि जो इंग्लिश प्रेसी है मुझे लगा कि इस सारे को ट्रांसलेट करना है, मतलब रूल्स वही हैं, प्रेसी लिखना है तो वही रूल्स हैं जो इंग्लिश में आप सीखेंगे। मैं भी अपने चैनल पे कुछ आगे चल के मैं प्लेलिस्ट में वीडियो बनाऊंगा और ऐसे है उसमें आपकी जो है पोइट्री है, तो मुझे इसलिए भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि जो इंटरमीडिएट तक की जो उर्दू है मैट्रिक की और इंटर की वो मेरी उस टाइम तो मैं जो है वो स्कोर लेने की कोशिश करता था, ज़ाहिर है आप लोग भी करते होंगे। और मैं समझता था कि मैंने उर्दू काफ़ी इंजॉय करके पढ़ी है, जितनी भी पढ़ी है उर्दू लिटरेचर मैंने इंजॉय किया है और उसके कुछ ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं वो भी मैंने सीखे हुए हैं। ऐसे लिखना है तो वो भी मुझे पता है, उधर भी आउटलाइन लिखनी है, टॉपिक्स थोड़े एडवांस लेवल के ज़रूर होंगे। मैं आपको यही कहूँगा कि आप मेरी इस्लामियात की जो प्लेलिस्ट है वो उसमें से आपको काफ़ी मटेरियल मिलेगा, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं उर्दू में ही बना रहा हूँ और सर की जो बुक है प्रोफेसर साहब की उसमें से इस्लाम से रिलेटेड और मॉडर्न सिविलाइजेशन और टेररिज्म और इस हवाले से, और एक तो आपकी इस्लामियात भी तैयार होगी और सेकेंडली आपको इधर भी मटीरियल मिलेगा। बाकी कुछ चीज़ें उर्दू के हवाले से सर की जो बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ यही सारे लोग पढ़ते हैं और बड़ी अच्छी बुक है और आप इसी को फॉलो करें और आई एम श्योर कि आप लोगों का भी अच्छा स्कोर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको जो है वो ज़्यादा सेफ साइड रखने के लिए एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, ट्रांसलेशन भी है बीच में वो आपने करनी है और वो अच्छा है आपके लिए ट्रांसलेशन पीएमएस की जो आपकी अब तो सीएसएस की जो प्रेसी का पेपर है उसमें भी उर्दू का पेपर आपने ट्रांसलेट करना होता है पैराग्राफ इंग्लिश में, इधर आप इंग्लिश में आया होगा तो आई थिंक उर्दू में करेंगे। बाकी कोई मतलब कोई सीरियस वरी नहीं है, एक पेपर रहता था छोटी सी वीडियो मैंने कहा आप लोगों को बना के शेयर कर दूँ, बुक यही सजेस्ट कीजिएगा, यही लीजिएगा, इसी को फॉलो कीजिएगा, अच्छी बुक है। और बाकी एसेस के लिए जो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग बन रही है बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ के आई थिंक वो सारी आप यूज़ करेंगे तो ऐसे का जो है वो क्वेश्चन वो भी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा मुझे कोई ख़ास इसमें ऐसी बात नहीं लगती मैं आपसे शेयर करूं। बाकी वीडियोस के लिए मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।